नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। वक्फ बोर्ड बिल, मोदी सरकार ने अब इसे जेपीसी को भेज दिया है। अब मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी राय रखेंगे वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के लिए। ऐसे में कई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के समर्थन में आए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार वक्फ बोर्ड बिल संशोधन, जो इसमें संशोधन करने की बात की जा रही है, इसके खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय के कई ऐसे लोगों का कहना है कि ये हमारे खिलाफ है। ऐसे में QR कोड निकला है, उस QR कोड को आपको स्कैन करना है, मेल भी करना है और आपको अपनी राय रखनी है, ये कहा गया है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सड़कों पर अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगातार उतर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं कोड स्कैन कर और मेल कर, और लोगों को भी ये जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भी मेल कीजिए, QR कीजिए और अपनी राय रखिए कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो आप लोगों के खिलाफ है। ऐसे ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग, कुछ कट्टर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और एक बॉक्स उनके हाथ में है जिसमें बॉक्स में वो अपनी राय रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट कीजिए आप लोग भी, ज्यादा से ज्यादा लोग। अभी तक 3 लाख मेल आ चुके हैं वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ और इस तारीख को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि कितने और मेल आएंगे वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, क्योंकि राय मांगनी तो लोगों की जरूरी थी। जब से वक्फ बोर्ड बिल संशोधन की बात की गई है तब से लगातार बहस हो रही है, संसद में भी, संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी। ऐसे में 3 लाख से ज्यादा ऐसे मेल आए हैं जो कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ कट्टर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर कर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक पुलिसकर्मी ने उन लोगों से ये पूछा कि क्या आपके पास ये परमिशन है कि आप लोग सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करें। ऐसे में वो कट्टरपंथी अचानक से भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी के बाप में दम है तो हमें रोक कर दिखाए। ये बात कही है उस कट्टर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने जो कि पुलिस को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को देखिए पहले। इस वीडियो में आपको ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अल्लाह की मिल्कियत है जिसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, किसी का बाप हमें ये करने से रोक नहीं सकता, कोई रोक कर दिखाए। लेकिन आपको ये बता दें कि देश भर में करीब 30 ऐसे संगठन हैं जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। आपको वक्फ बोर्ड के बारे में हम बता रहे हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत ही काम करते हैं, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल लाकर इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं और बदलाव करना चाहती है सरकार, जिसमें अब सत्यापन जरूरी है और बकायदा संपत्ति का मुकदमा जो है वो कोर्ट में चलेगा, ना कि वक्फ के कोर्ट में। कोई भी आकर वक्फ की संपत्ति को अपना बता नहीं सकता, कब्जा नहीं कर सकता। ऐसे 40 जो संशोधन किए गए हैं वो वक्फ बोर्ड बिल में किए गए हैं, लेकिन अब इस बिल का मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा मेल आए हैं, 2 दिन तारीख और बढ़ा दी है कि आप लोग QR करिए, मेल कीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि 2 दिन यदि तारीख बढ़ा दिए तो लगभग 5 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है, और इसी को लेकर अब देश भर में बहस छिड़ी हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट कर इस वीडियो पर जरूर रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे अल्लाह की मिल्कियत को हिफाजत के लिए।